नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कल राम भक्तों का 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ और कल आखिरकार भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो गए। इस मौके पर सभी जो लोग खासकर वहां मौजूद थे वो भावुक हो गए। कई सारी तस्वीरें हमें देखने को मिले और उनकी कुछ झलकियां आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे बड़े नाम रहे, कई ऐसी हस्तियां रही जो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंची थी और जब आखिरकार राम भगवान अपने स्थान पर विराजमान हुए तो वो भावुक जो है हस्तियां नजर आई। इनमें से अगर मैं कुछ की बात करूं तो सबसे पहले जैसे ही भगवान श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हुए तो लोग भाव विभोर नजर आए और इसी दौरान साध्वी रितंभरा और उमा भारती भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उनके कुछ विजुअल्स जो हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोती हुई नजर आ रही हैं, दोनों की आंखों से आंसू बह रही हैं, एक दूसरे को गले लगाया है, एक दूसरे को सांत्वना दे रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। उनके जो श्रद्धा भाव है वो साफ तौर पर इस वीडियो के तरह से जो है देखा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों भाव विभोर हो गई और दोनों की आंखों से आंसू झलक आए और एक दूसरे को चुप करवाती दोनों नजर आई। इस ऐतिहासिक क्षण के कुछ ही लोग साक्षी बन पाए, जिसमें से उमा भारती भी एक थी और ये मौका जो है अपने आप में उनके लिए इतना अद्भुत था कि वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और ये रोता हुआ जो उनका वीडियो है ये सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर ना सिर्फ उमा भारती बल्कि लंबे संघर्ष के बाद जब ये पल आया तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की आंखों में भी आंसू दिखे, वो भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। खुशी के आंसू नेताओं के साथ साथ संतों की आंखों से भी झलके, सभी अपने अपने तरीके से राम के लिए भाव व्यक्त करते नजर आए। रामलला के विराजमान होने के बाद पीएम मोदी ने कुछ इस तरीके से अभिनंदन किया कि हाथ जोड़कर उनकी मूर्ति के सामने खड़े रहे। वहीं बाबा रामदेव भी भाव विभोर देखे, हाथ जोड़कर उन्होंने भी भगवान श्री राम को नमन किया। इसके साथ ही बागेश्वर धाम से कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी राम लला की जो भक्ति है उसमें डूबे हुए नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा के समय हर संत के चेहरे पर एक अलग ही भाव देखने को मिला, हर कोई राम की भक्ति में लीन दिखा। इसके साथ साथ भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु सोनल मानसिंह भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम की जो लीला है उसे निहारती हुई नजर आई, वो भी भाव विभोर नजर आई। लेकिन ये जो वीडियो है जिसमें साध्वी रितंभरा और उनके साथ साथ उमा भारती नजर आ रही हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाए रो रही हैं और भगवान श्री राम का जो भक्ति भाव है उसमें डूबी हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को जो कोई देख रहा है वो अपने आप में जो है भक्ति के इस पल को देखकर भावुक हो रहा है। अपने आप में खास ये पल था, हर राम भक्त इसी तरह से इस मौके पर भावुक नजर आया। जो लोग इस पल के वहां पहुंचकर साक्षी बन सके और जो नहीं पहुंच सके, सभी एक तरीके से भक्तिभाव में डूबे रहे। आप सभी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।